गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज वो निकल कर सामने आई हैं, इन्हीं को हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सोशल वेलफेयर डोडा रिक्रूटमेंट 2023, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल वेलफेयर डोडा रिक्रूटमेंट 2023 जो है डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट वुमेन स्पेशलिस्ट जो अकाउंट असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर मल्टी टास्किंग, ये वैकेंसी से आपकी टोटल नंबर पहुँच सकते हैं 4 पोस्ट हैं दोस्तों टोटल। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर रिक्रूटमेंट 2023 एलिजिबिलिटी सैलरी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी। तो रिक्रूटमेंट जो टेम्प्रेरी बेसिस पर रहने वाली है ये 1 साल के लिए होगी दोस्तों ये पूरी रिक्रूटमेंट आपकी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, ओपनिंग डेट जो आपकी 4 फेब है और लास्ट डेट आपकी आने वाली दोस्तों 13 फेब। तो 4 फेब से लेकर 13 फेब तक जो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात अगर हम करें तो देख सकते हैं आप 24,000 स्पेशल फाइनेंस लिटरेसी वाली की और अकाउंट असिस्टेंट की 21,000। इसी तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, सिमिलर किसी डिसिप्लिन में, पीजी प्रेफरेंस अगर आपको मिली, डिप्लोमा अगर आपने किया अकाउंटेंस में, डीयू की बात करें अगर हम तो ग्रेजुएशन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आईटी, और एमटीएस के लिए 10th 12th आपकी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए उनको, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कहीं पर भी अगर आपने काम किया 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों साथ में ही मांग रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं लोगों को बता देता हूँ। तो वैकेंसी डिटेल, नेम द पोस्ट, सारी चीज़ें जो हमने बता दी यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को लेकर के जाने हैं।